गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, सेमेस्टर वन, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन ये टेंथ है, सीपी वन एंड टू ए, ऑप्शन टेंथ, क्रेडिट टू है, 2 घंटे क्लास लगेगी एक हफ्ते में, और ये आपके 35 मार्क्स है थ्योरी के, सेशनल वर्क है 15 मार्क्स का, और 1.5 घंटे का ये पेपर है। तो पेपर की नेचर पता ही है कि हमें ये 2 क्वेश्चन एक यूनिट में से आने हैं, उनमें से एक क्वेश्चन करना है, और 5वां क्वेश्चन आपने कोई भी किसी भी यूनिट से कर देना है, जो किसी भी सेक्शन से आप कर सकते हो। सेक्शन ए के हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद डिसिप्लिनरी नॉलेज। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, सिंपल जो ये 3 वर्ड दिए भी गए हैं, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल इनकी मीनिंग का पॉइंट बनता है ना। यूनिवर्सल लैंग्वेज है इसकी, सिंबल्स, ये सिंबल्स का भी है, 3 पॉइंट तो यहाँ लिखे ही हुए हैं ना, सिंबल्स यूज होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट भी है, कंक्रीट भी है। कंक्रीट ऐसे है कि रियल लाइफ में एप्लीकेशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे है कि सिंबल जो है, जितने सिंबल्स है, जैसे लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट है, सिंबलिज्म है, ऐसे ही मैथ और लैंग्वेज सिंबल्स के बहुत ज़्यादा करीब है। इसके अलावा एग्जैक्ट साइंस है ये, जैसे नेचुरल साइंस है वैसे ही ये साइंस है, सिस्टेमेटिकली स्टडी करती है, एप्लीकेशन है, है ना, रिसर्च के लिए हेल्प करती है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सुजेस्ट करती है रिसर्च एनालिसिस के लिए, एग्जैक्ट साइंस है, ये बात हो चुकी है। ये बाकी जो साइंसेज है, जहाँ सब्जेक्ट्स है, इवन साइंसेज हैं, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। मीन सिंपल बात है कि रिसर्च हर सब्जेक्ट में होनी है, साइंटिफिक मेथड हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, उसमें डाटा एनालिसिस किसके साथ करना है, मैथ्स ने ही हेल्प करनी है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है लाइफ का, डेली लाइफ में एप्लीकेशन है। इवॉल्विंग है कि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इवॉल्विंग होते हैं, मतलब कि वो विकास कर रहे हैं, जो रिसर्च होती है उसकी नॉलेज है ऐड होती जाती है, ऐसे ही मैथ्स की नॉलेज नई जो रिसर्च बेस्ड ऐड होती जाती है, हमारा करिकुलम जो है बड़ा होता जाता है। तो इवॉल्विंग है, डायनेमिक है, मतलब चेंज होते रहते हैं, नए फार्मूले वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इसका रिलेशनशिप विद डिसिप्लिनरी नॉलेज है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ये हो गया सारा, है ना। प्योर एंड एप्लीकेशन मेथड, एक्सियम्स, पोस्टुलेट पैटर्न्स एंड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जो ये मेरे ख्याल में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए, ये पूरा कर लेना चाहिए, पर छोड़ना कोई नहीं है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इसी में से करना है। सेक्शन बी, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रेजेंट डे करिकुलम। स्कोप में कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक का स्कोप आता है, तो उसकी ब्रांचेज आपने लिख देनी है, जहाँ रिलेटेड जिस सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में उसकी एप्लीकेशन है। तो टॉपिक्स तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, जैसे गिना सकते हैं यहाँ पर, सिंपल है। फाउंडेशन ऑफ स्टेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेम का क्या मतलब है? एस से साइंस है, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से इंजीनियरिंग है, और एम से है मैथमेटिक्स। तो ये इंटीग्रेटेड है, इन सभी सब्जेक्ट का मैथ्स जो है बेस बनता है। डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक पीछे बात करके हैं, वही बात है जो रिसर्च होनी है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की तो सारी जो 0101 पर भी सब कुछ चलता है। इसके अलावा एल्गोरिथम्स, क्रिप्टोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, मैथ्स के कंसेप्ट, इसके मैथ्स इसके बिना, ये मैथ्स के बिना, दोनों। वैसे मैथ्स की एप्लीकेशन साइंस में ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, कैलकुलेशन है सारी, मार्केट ट्रेंड क्या है ना, उसको अंडरस्टैंड करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने हैं। एनवायरमेंटल स्टडी, मेडिसिन, बायोलॉजी, ऐसे ही सिग्निफिकेंस है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, कैरियर अपॉर्चुनिटी, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस, साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये पॉइंट ऐसे सिंपल आपने करने हैं, ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, एज़ कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, उसका सिलेबस ज़्यादा भी है। इंटीग्रेशन ऑफ मैथ विद अदर सब्जेक्ट्स, फिजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायो साइंस एंड फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के साथ आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप ड्रा करते हो कि ये कौन सी फिगर है, ये कौन सी फिगर है ना, ये
तो ये सारा फाइन आर्ट के साथ सीधा संबंध है। तो ये स्किल जो है ओवरलैप होती है, इधर भी यूज हो रही है इधर भी यूज होती है। फाइन मोटर स्किल्स है, ड्राइंग है ना, तो ये सीधी एप्लीकेशन है। ऐसे फिजिकल साइंस में एप्लीकेशन है, डाटा एनालिसिस की बात की है, स्टैट्स की बात की है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों की नेचर जो साइंटिफिक है, सिस्टेमेटिक है। सिस्टेमेटिक का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का हाइपोथेसिस बनता है, हाइपोथेसिस के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालाइज किया जाता है और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं। ये 5 स्टेप साइंस के होते हैं, साइंटिफिक स्टडी के होते हैं, रिसर्च के होते हैं। तो ये सीधे इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। सेक्शन सी है एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। सिंपल है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का है, लैंग्वेज का है, वो एम क्या होगा, उसकी स्किल्स डेवलप करनी है, उसकी नॉलेज डेवलप करनी है, उसकी अवेयरनेस बढ़ानी है, उसमें क्रिएटिविटी एनहांस करनी है, उसकी इमेजिनेशन पावर उस सब्जेक्ट में डेवलप करनी है, उसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है वो डेवलप करनी है। तो ये सिंपल क्रिटिकल थिंकिंग तो लाइफ स्किल का मेन पार्ट है। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पॉइंट सभी में जड़ देने हैं आपने। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन है ना, जो मैथमेटिकल क्रिएटिविटी है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। सो ये सिंपल पॉइंट्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ मैथ्स इन स्मॉल ग्रुप एंड इन लार्ज ग्रुप, ये कर रहे थे, नहीं मेरे ख्याल में ऊपर चला गया, ये था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल, मिडल, हाँ, 6th to 7th, 8th सेकेंडरी, अब सेकेंडरी ये सीनियर सेकेंडरी मैच कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, ये सेम कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ। विद रिस्पेक्ट टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन की जो टेक्सोनॉमी है उसको याद रखना ही पड़ेगा, बेशक आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, TET में भी ये पूछा जाता है। कॉग्निटिव, दिमाग की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, रीजनिंग एनालिसिस की, लोएस्ट 6 लेवल हैं। ये ऐसे हायरार्की बनती है, ऐसे भी आप बना सकते हो। ये रिमेम्बरिंग है, यहाँ पर फैक्ट आपने याद करने हैं। ये आपका दिमाग है और इसमें इंफॉर्मेशन रखनी कैसे या बाहर कैसे निकालनी, सिर्फ इतना काम है रिमेम्बरिंग का। ओके, ये मेमोरी लेवल पर है, लोएस्ट लेवल है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। ING में लगा रहा हूँ, रिवाइज टेक्सोनॉमी में ये ING है। तो इससे रिलेटेड जो है वर्बल ब्लूम ने दिए हुए हैं, एक्शन वर्ब दिए हुए हैं, वो एक्शन वर्ब लर्न करके आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर दिस क्लास द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द पर्टिकुलर फार्मूला, है ना। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। तो ये डिफरेंट लेवल के लिए यूज कैसे करनी है आपके सिलेबस में ये है। फॉर एग्जाम्पल, 6th 7th 8th लेवल पर रिमेम्बरिंग भी ज़्यादा होगा, मैथमेटिकल फैक्ट्स, ऑपरेशंस, फार्मूला, मेमोराइजिंग की मैथमेटिकल टर्म्स, डेफिनेशन, रिकॉग्नाइजिंग एप्लीकेशन एल्गोरिथम फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो लेवल लो होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर एक्सप्लेन करना होगा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को, है ना। इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की, चार्ट की, ग्राफ की, टेबल्स की, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होगा। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट, अप्लाइंग द रूटीन मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। ऐसे अब देखिए कि जो ये टेक्सोनॉमी थी यहाँ पर, नॉर्मली ये एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर रख लिया 6th 7th 8th, है ना, यहाँ पर। और ये हायर है, इसको हॉर्स भी कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लेकिन हॉर्स में ये 4 शामिल होती हैं। तो ये हमने ये रख लिया, आपके टीचर जो करवाते हैं उस पर फोकस करना है, मैं जो करवा रहा हूँ उस पर नहीं फोकस करना। 9th, क्योंकि हायर क्लास हो गई तो हायर लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को यूज़ करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, रीजनिंग के लिए, लॉजिक के लिए, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। सिंपल है, जो लाइफ स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसिस्टेंट, परजर्वरेंस। कई बार परजर्वरेंस की बड़ी अच्छी एग्जांपल क्या है कि आप मैथ का सम सॉल्व कर रहे हो, नहीं सॉल्व हो रहा तो डिस्करेज हो रहे हो, फिर कोशिश कर रहे हो, हार के बावजूद फिर दोबारा कोशिश, कितनी देर तक कोई करता रहता है। जैसे एडिसन ने बल्ब की इन्वेंशन शायद 900 के 1000 बार वो फेल हुआ था,
प्रजर्वरेंस इतनी ज़्यादा सी, सो सक्सेस उससे रिलेटेड है। अगर प्रजर्वरेंस ज़्यादा है, ऐसी वैल्यू मैथ्स पैदा करता है, तो नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्वर है ना ज़्यादा होगा। प्रिसीजन है ना, क्रिएटिविटी है, स्ट्रक्चरल थिंकिंग है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, कलेबोरेशन है, तो ये पॉइंट रिपीट भी हो रहे हैं, ओवरलैप भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैथ्स इन स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। अब स्मॉल ग्रुप किसको कहोगे? मेरे हिसाब से स्मॉल ग्रुप में ये एक या दो या तीन चार भी हो सकते हैं, लार्ज ग्रुप में है ना ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं ये। तो इनको मैथ्स करवाना है, इसको इनको कैसे करवाओगे, इनको कैसे करवाओगे बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म। अब पंगा ये है कि ये तो इजी था, लेकिन बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बिहेवियरिज्म क्या है? यहाँ पर बिहेवियर लिखा नहीं लिखा जाता, कोई बात नहीं, कलर से इससे लिख लेते हैं बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म। तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, उसमें बिहेवियरिज्म को समझना है तो बिहेवियर ये रहा, मैंने लिख दिया बिहेवियर, ये इनको पूरा बिहेवियर लिख लेना। ये क्या है? रिस्पांस, रिस्पांस जो क्या है, आपके एक्शंस है जो देखे जा सकते हैं, ये ऐसे आंखों से देखे जा सकते हैं वो एक्शन, जैसे आप मेरी ये मूवमेंट देख सकते हो। तो इसके ये बिहेवियर किस पर पैदा होना है? स्टिमुलस पर। तो स्टिमुलस और रिस्पांस की एसोसिएशन पर जो जोर देता है वो बिहेवियरिज्म है। तो ये लोअर लेवल ऑफ लर्निंग का है। ये स्टिमुलस और रिस्पांस, कोई रिस्पांस दिया है, उस रिस्पांस को अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंस पर प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट स्टिमुलस आप फिर दे देते हो। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को टीचर ने सम दिया और उसने रिस्पांस दिया, उसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद जहाँ कहा 2 × 2 = 4, उसने कह दिया 4 पर प्लेजेंट स्टिमुलस, टीचर ने कहा वेरी गुड डे, बड़ी सी ऐसी स्माइल दी है ना, बन गई स्माइल, बन गई शायद, तो स्माइल दी, टॉफी दी, चॉकलेट दी। तो ये जो सिंपली बिहेवियरिज्म कुछ नहीं है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर बेस्ड जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। तो री इन्फोर्समेंट की बात इसमें बार बार की जाती है, फीडबैक की बात, फीडबैक बहुत अच्छा कंसेप्ट है बिहेवियरिज्म का, कि जो कंसेप्ट आपने लर्न किया है, जो परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जांपल सम एक सॉल्व किया है, आगे चले जाते हैं, एक सम सॉल्व किया है, एक बच्चे ने सम सॉल्व कर लिया और ये सम सॉल्व करना उसकी परफॉर्मेंस होगी। अब सम पर टीचर या स्टूडेंट या पीयर बताते हैं कि ये सम सॉल्व करते हुए क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, दिस इज फीडबैक। ओके, फीडबैक जो है सेंट्रल है बिहेवियरिज्म की। तो ये जो बातें हैं अप्लाई करोगे आप स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप पर, स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप को फीडबैक, री इन्फोर्समेंट, रिवार्ड, पनिशमेंट, ये बातें करेंगे। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि TET में ऑलवेज ही गलत जवाब हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी ठीक भी होना चाहिए, लेकिन हमारे जो थिंकर्स हैं वो यही सोच रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म ही सब कुछ है। दूसरा है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म में क्या है? कुछ नहीं, ये यो जो मैंने पहले माइंड बनाया था, ये माइंड दोबारा बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूँ, इसको इनको ये छोटा बना लेते हैं। तो इसमें क्या है? स्टिमुलस है, ये इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, कोई इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्टर हुई, उसके बाद शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी में चलेगी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना, गजनी जो था शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पर वहाँ वो फिल्म बनी हुई थी। तो ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, ये कैसे ऐसे प्रोसेस करनी है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन रहे और जब चाहो फिर आप इसको वापस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कर सको। ये कुछ नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग ऐसे है जैसे आप एक रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ रखते हो, वो दही ठीक रहता है, उसके बाद सही सलामत उसको बाहर निकाल लेते हो। ये फ्रिज एक ब्रेन का काम करी है, ऐसे ही एक ब्रेन का काम करी है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऐसे होनी चाहिए। ये कॉग्निटिविज्म इस मॉडल पर बेस्ड है कि इन्फॉर्मेशन ऐड जो है एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी पर जोर देगी, एक्यूरेसी पर, है ना, स्पीड पर जोर देगी, स्पीड पर जोर देगी, ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देगी, ऑब्जेक्टिविटी। मैं बताता हूँ ये क्या है।
एक तो जो इन्फॉर्मेशन अंदर गई है वही रहे और वही बाहर आए, स्पीड है, जितनी जल्दी जाए प्रोसेस करे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे और जल्दी से जब चाहो आप एग्जाम में जहां भी आपकी प्रॉब्लम है वहां आप बाहर निकाल सको। ऑब्जेक्टिव कि आपकी फीलिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिविज्म है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म सब्जेक्टिविज्म है कि फीलिंग जो आप अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, यहाँ पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, जो स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक नॉलेज है वो वही रहेगी, कोई भी टीचर बदल नहीं सकता। दैट इज़ वाई टीचर ने वो साइंटिफिक रिसर्च एग्जैक्ट नॉलेज पढ़ के यहाँ रखनी है, यहाँ से उसने ये रहा ये उसके बच्चे के दिमाग में डालनी है। तो यहाँ लेक्चर मेथड दिखाई दे रहा, वन वे प्रोसेस भी दिखाई दे रही है, नहीं इंट्रैक्शन भी हो सकता है, पर फोकस क्या रहेगा कि ये जो स्मॉल ग्रुप है लार्ज ग्रुप है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कितनी हो रही है ना। तो मेमोरी बेस्ड है, टोटल मेमोरी बेस्ड, इसको कंप्यूटर एनालॉजी भी कह सकते हैं, ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट जैसे कंप्यूटर होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन दोनों से भिन्न है, ज़्यादा भिन्न है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि ये लर्नर है और लर्नर जो है वो इंटरेक्ट करता है, बाकी भी इंटरेक्ट करते हैं, किससे, एनवायरनमेंट से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है मोबाइल फोन से इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो इंटरेक्शन कर रहा है, इट मीन्स ये एक्टिव है ना, एक्टिव है, तो ये इंटरैक्शन हो गया। एनवायरनमेंट भी कुछ रिस्पॉन्स दे रहा होगा, फोन ने भी देना है, अगर बॉल है तो बॉल ने देना है, टॉय है तो टॉय ने रिस्पॉन्स कोई देना है ना, तो ये इंटरेक्शन हो गया। तो वो जब इंटरेक्शन होता है तो वो जो भी उसका ये इंटरेक्शन है वो इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस पर बच्चा थिंक ओवर करता है, जिसको कह देते हैं रिफ्लेक्ट करना, सोचता है ये बॉल इतनी क्यों जंप की है, क्या कौन सी आवाज़ आती है, ये तो एक कैसे चलता है, कैसे मुझे खुशी मिलती है। तो वो ये इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है खुद बनाता है, कोई नहीं आया बीच में, है ना। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ सकता है वाइगोत्स्की का कि सॉरी कि ये हेल्प कर सकते हैं इसको किसके लिए, थिंक करने के लिए, ना कि रेडीमेड नॉलेज देने के लिए, जैसे कॉग्निटिविज्म जो बिहेवियरिज्म ने कहा रेडीमेड नॉलेज देनी है, इसमें रेडीमेड नॉलेज नहीं देनी। तो स्मॉल ग्रुप को लार्ज ग्रुप को हैंडल करने के लिए ये प्रॉब्लम देंगे, स्टिमुलेट करेंगे, बच्चा उस प्रॉब्लम के साथ रियल मटीरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करके वो देखेगा कि एक्सपीरियंस क्या नॉलेज बनती है। वो अपने साथी के साथ MKOK के मोर नॉलेज अदर के साथ टीचर के साथ इंटरेक्ट करके थिंकिंग बेटर थिंक करेगा और खुद फिर नॉलेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में। तो ऐसे ये है सेल्फ डायरेक्टर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, वाइगोत्स्की का मेन रोल है इसमें, है ना। तो यहाँ पर ये हेल्प पर जोर देती है, हेल्प को स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं, तो धीरे धीरे वो उस हेल्प को कम करते जाना है, हाँ। तो ये है एक्टिव लर्निंग पर जोर देती, इंटरेक्टिव लर्निंग पर जोर देते हैं, और फ्रीडम पर, बच्चा खुद करे, सेल्फ डिसीजन ले, सेल्फ गोल सेट करे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो। और ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, वो पिछले जो थे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थे। तो ये सारे कंसेप्ट आपने स्मॉल और लार्ज ग्रुप दोनों पर अप्लाई कर देने हैं, दैट्स ऑल। इसके बाद बुक्स होंगी आपकी, मेरे ख्याल में है कुछ कि नहीं। अच्छा, आपकी जो परफॉर्मेंस इन हाउस टेस्ट है 5 मार्क्स हैं, अटेंडेंस 2 मार्क्स है, असाइनमेंट्स है फॉलोइंग पर 8 मार्क्स है, रिपोर्ट ऑन मैथमेटिक्स क्लब एंड मैथ्स फेयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स प्राचार्य आर्यभट्टा रामानुजा एंड हिस्ट्री ऑफ सिंबल्स, आपकी रिकमेंडेड है, इनमें से कोई पढ़ सकते हो आप एक ही पढ़ोगे, ज़्यादा तो पढ़नी नहीं है। मैथ का पेपर है लेकिन हमें टेढ़े होना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देख लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अप्लाई मैथड, एक्सप्लेन एग्जाम्स एंड पॉस्टुलेट विद लॉजिकल रीजनिंग, कितने कितने मार्क्स के लिखे नहीं है, डिफाइन मैथमेटिक्स, फिर यहाँ भी डिफाइन है, डिस्कस द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड एक्सप्लेन द टर्म साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आप चूज कर सकते हो, दोनों इजी हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रेजेंट करिकुलम, सीधे जो पॉइंट हमने किया, डिफाइन मैथमेटिक्स, डिस्कस इन डिटेल द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रेजेंट करिकुलम। नेक्स्ट ये हिंदी में भी है, पढ़ सकते हो आप, ऐसे पॉज करके पढ़ लेना, ये हिंदी में भी है, ये रहा। और
इंग्लिश में बाकी का कहाँ गया, ये रहा सी सेक्शन। डिस्कस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सूटेबल एग्जांपल, व्हाई द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर इम्पॉर्टेंट। यार वो मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कहाँ जाना है ये बताते हैं, हमें प्लानिंग में हेल्प करते हैं, इवेल्युएशन में हेल्प करते हैं, मटीरियल सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, लेसन प्लान। देखो कितने पॉइंट ऐसे ही बन गए हैं। डज द प्रेडिसेशन सिलेबस इन मैथमेटिक्स एट द सेकेंडरी लेवल इन योर स्टेट कम अप विद योर आइडियल्स, गिव अ रीजन इफ नॉट देन व्हाट चेंजेस यू विल सुजेस्ट। तो है तो देखने में डिफिकल्ट नहीं, गप्पे ही हैं, शॉर्ट कमिंग्स ही हैं, सुजेशन जितने मर्जी दो आप। डी सेक्शन है, हाउ कैन मैनेज मैथमेटिक्स इन स्मॉल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म। तो बिहेवियरिज्म जहाँ पर आता है वो फिर री इन्फोर्समेंट वर्ड है, फीडबैक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, रिवार्ड पनिशमेंट है ना। तो पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, स्किनर की आगे थ्योरी है ना, प्रिंसिपल ऑफ चेंज है, ऐसे वो एग्जाम्पल। कॉग्निटिविज्म में अभी जो डिस्कस करके आए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, डिस्कस विद द एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ये एग्जाम्पल दो में से एक करने हैं, एक यूनिट में से आपने दो करने हैं। दैट्स ऑल, दिस इज़ अबाउट द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।